विदिशा और ग्यारसपुर की पुलिस ने एक ठग का भंडाफोड़ किया है जो शादी का झांसा देकर लोगों को ठगता था। पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी विनायक वर्मा ने बताया कि मूल रूप से भिंड का निवासी जो वर्तमान में सागर जिले के मेथलौन में निवास करता था, इस दौरान पैम्पलेट के जरिए लोगों को झांसे में लेता था। युवक युवतियों की शादी कराने के एवज में 2500 से लेकर 3500 रुपये तक के फार्म भरने का काम करता था। ग्यारसपुर के एक व्यक्ति को भी इसी प्रकार ठगी का शिकार बनाया गया। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई। मोबाइल लोकेशन के आधार पर एडवोकेट सुनील दुबे, जिसका वास्तविक नाम रामहेत कुशवाहा था, उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से मौजूद रजिस्टर पर 192 लोगों की ठगी के सबूत मिले हैं, जो पूरे प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश से कई जिलों में रहने वाले लोग हैं। पुलिस ने उसके पास से मोटरसाइकिल, पायल और 55,000 रुपये नकद, कुल 1,70,000 का मशरूखा भी जब्त किया है। एसपी विनायक वर्मा के अनुसार आरोपी द्वारा लगभग 6.5 लाख की ठगी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। विदिशा से आशीष सैलगिरी। इमीडिएटली इसके जो सीडीआर के प्रथम दृष्टि एनालिसिस में अन्य लोग अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये बड़ा प्रश्न चिन्ह आता है कि इतने जगहों तक गांव-गांव तक ये बात पहुंची कैसे। ऑफकोर्स व्हाट्सएप का भी उपयोग करता था अपने पैम्फलेट बंटवाने में, लेकिन फॉर नाउ इसका कोई साथीगण सामने नहीं आया है। इसके अभी परिवार सदस्यों से पूछताछ की जा रही है, इसके कुछ रिलेटिव्स पे अभी हमें शक है, वो हमारी पूछताछ में अभी शामिल है। एक अंतर्राज्यीय फ्रॉडस्टर को पकड़ा गया है। इस फ्रॉड करने वाले का मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये पैम्फलेट बंटवाता था गांव-गांव में, और इस पैम्फलेट के माध्यम से वो प्रपोजल देता था कि वो युवा युवतियों की विवाह कराएगा यदि कोई आकर उसके साथ पंजीयन करेगा, तो मात्र कुछ से 2500, कुछ से 3500, इतनी कम राशि में वो विवाह आयोजित करेगा उज्जैन में। और इस तरह से उसने कई लोगों को लुभाया और यह भी बताया कि यदि कोई बिलो पावर्टी लाइन से है तो राष्ट्रीय स्कीमों के माध्यम से वो उसको रोज़गार भी दिलाने का प्रयास करेगा। और इस पैम्फलेट को विश्वसनीय बनाने के लिए उसने सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो का भी उपयोग किया। तो जब ये संज्ञान में ग्यारसपुर थाने की पुलिस को आया तो इन लोगों द्वारा इसकी छानबीन की गई। छानबीन के दौरान हमारे पास ये रामहित कुशवाहा, ये व्यक्ति हिरासत में आया। विश्वसनीय अविश्वसनीय बात यह है कि इस व्यक्ति ने ही पैम्फलेट ये छपवाए एक झूठे नाम के साथ। उसी पैम्फलेट में एक उज्जैन के महाराज का जिक्र किया, जिसका अलग नंबर दिया, और जब ये व्यक्ति कॉल रिसीव करता था पैम्फलेट के माध्यम से, फिर वो खुद ही कहता था कि आप महाराज से डायरेक्ट बात कीजिए, और फिर वही व्यक्ति महाराज बनकर दूसरे फ़ोन से उसको जवाब देता था कि हाँ मैं शादी कराऊंगा और मैं इतना पुराना पंडित हूँ, सो ऑन सो फोर्थ, अपनी विश्वसनीयता को बढ़ा के रखने के लिए। और ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली इस व्यक्ति ने, हमारे पास जो अभी इसका रजिस्टर जब्त किया है, 192 लोगों से राशि प्राप्त की जो लगभग 6.5 लाख तक की होगी। और हमारा प्रयास रहेगा कि और पुलिस रिमांड के माध्यम से और अन्य तरीकों से हम प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग इसके प्रभाव में आए हैं या जिसको उसने ठगा है उनकी सूची हम प्राप्त करें। बट अभी तक जो 192 लोगों की सूची हमने प्राप्त की है उसमें मध्य प्रदेश के 10 जिले हैं के लोग हैं, और साथ ही साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश के भी एक एक जिले के लोगों के नाम सामने आए हैं। तो हमारा प्रयास ये है इस पूरी अमाउंट की रिकवरी हम जल्द से जल्द करें। अभी तक जो हमने इसकी पकड़ में इसकी जब्ती की है उसमें 55,000 रुपये कैश शामिल है, कुछ चांदी, पायल, रसीद सहित जो उसने उसी धनराशि से खरीदी वो जब्त की है, LED TV जो उसने खरीदा इसी राशि से लोगों को ठग कर वो जब्त किया है, साथ ही एक मोटरसाइकिल, कौन सी कंपनी, सुपर स्प्लेंडर, एक सुपर स्प्लेंडर करके मोटरसाइकिल जो लगभग 70-80,000 रुपये की आती है वो भी खरीदी, वो भी हमने जब्त की है। शेष राशि कहाँ है और किस तरह से उसने उसका दुरुपयोग किया है उसके लिए छानबीन जारी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।